हे हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवे। गाइस, आज की इस वीडियो में बैनमो की एक ब्रांड न्यू स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि शायद ही आपने इससे पहले यूज की होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। और एक और चीज, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, बैनरी फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने चार्ट पे। यहां पे मैं लॉगिन हूं, अब मेरे लाइव अकाउंट से देख पा रहे हैं आप। तो यहां पे सबसे पहले मैं जाता हूं इंडिकेटर वाले सेक्शन पे, और यहां पे देखेंगे आप काफी सारे इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करने हैं। हमें जाना है टूल्स के सेक्शन पे, और बहुत अच्छा सेक्शन है टूल्स का, प्रोवाइडेड बाय बैनमो। सो गाइस, सबसे पहले काम करते हैं ना, यहां पे ना इस स्ट्रेटजी को डिलीट कर देते हैं, यानी कि आप ग्राफ को आप देखोगे बिल्कुल सिंपल, क्लीन एंड नीट देख पा रहे हैं। वापस से मैं जाता हूं इंडिकेटर वाले सेक्शन पे, यहां पे एक टूल्स का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। यहां पे जाने के बाद आपको कौन से सेक्शन पे क्लिक करना है, तो भैया आपको क्लिक करना है फिबोनाची पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, कलर्स का सेक्शन आता है, बाउंड्री का सेक्शन आता है, लाइन स्टाइल का सेक्शन आता है, आपको जो चूज करना है आप कर सकते हो। और जैसे आप इसे अप्लाई करोगे, यहां पे आ जाता है स्टॉप ड्रॉइंग के नाम से एक ऑप्शन। अब आपको यहां पे सेट करना है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, लेकिन किस बेसिस पे करना है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी नहीं है, यहां पे आप लेवल्स को और परसेंटेज के हिसाब से ट्रेड लोगे। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, यहां पे मुझे लगता है ये मैक्सिमम लेवल है जो रीच किया है, तो यहां पे मैंने डबल क्लिक किया, तो यहां पे देखोगे एक डॉट आ जाएगा जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, और फिर मेरे पास आ जाता है ये ड्रॉ करने के लिए। तो यहां पे देखेंगे इसका लास्ट लेवल कहां तक गया है, मैं यहां तक इसको ड्रॉप करके छोड़ देता हूं। सो गाइस, अब आप यहां पे देखेंगे कुछ परसेंटेज आपके सामने शो हो रहा है, 100%, 61%, 50%, 38.2% और 0%। अब आपको ट्रेड किस बेसिस पे लेनी है, देखेंगे आप यहां पे। अगर यहां पे अगर आप देखेंगे, तो यहां पे देखेंगे 100% पे बेसिक लेवल है, यानी जीरो है, सबसे नीचे ही नीचे। तो जैसे ही आपका ग्राफ 100 लेवल पे पहुंचता है, आपको 5-7 मिनट की ट्रेड ऊपर की डायरेक्शन में लेनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जैसे ही आपका जो ग्राफ है वो पहुंचता है जीरो लेवल पे, तो आपको डायरेक्शन लेनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसके बीच में आपको कैसे सिग्नल मिलेंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सो गाइस, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आप रिवर्सल सिग्नल्स यहां से कैसे ले सकते हो, क्योंकि दिमाग में आप लोगों की जरूर एक चीज आ रही होगी कि भैया 0% पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, 100% पे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब कि अगर एक सिग्नल मुझे लेना है तो मुझे काफी टाइम वेट करना पड़ेगा। जी नहीं, आपको रिवर्सल सिग्नल्स भी मिलेंगे, 38.2% यहां पे आप देख पा रहे हो, 50% एंड 61.8%। जैसे ही आपकी ग्रीन कलर की कैंडल इस 61.8% की लाइन को क्रॉस करता है, तो आपका मार्केट काफी टाइम तक अपवर्ड ट्रेंड पे रहने वाला है। जैसे ही आपकी रेड कलर की कैंडल 38.2% को क्रॉस करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब आपका ग्राफ काफी टाइम तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। जैसा कि अगर आपने यहां पे चेक किया होगा, एक रेड कलर की कैंडल ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया था 38.2% को, उसके बाद काफी टाइम तक, यानी अभी तक मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हमने एक लेवल सेट किया था 100% का, उसको अभी तक कोई कैंडल क्रॉस नहीं कर पाई है, लेकिन मैं ये नहीं दावा के साथ कह रहा हूं कि नहीं करेगी, हो सकता है कर भी दे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो इस स्ट्रेटजी से, तो कम से कम 5 से 10 मिनट की ट्रेड प्लेस करना मार्केट का, और अगर आप चार्ट का जो टाइम रखते हो वो 1 मिनट मिनिमम रखना, ठीक है। इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाना है, मतलब आपको जीरो से लेके 100% की एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको सिग्नल यहाँ पे 4 इंडिकेशंस मिलेंगे, टोटल मिला के 5 इंडिकेशंस हैं। एक इंडिकेशन 100% का है, एक इंडिकेशन 0% का है, उसके बाद 3 बीच में रिवर्सल इंडिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आप हैमर जैसे पैटर्न्स भी फॉलो कर सकते हो रिवर्सल के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ का टाइम बढ़ा के भी इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। जैसा कि आप देखेंगे 100% के लेवल को ब्रेक कर दिया है इस स्ट्रेटजी ने, तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, 3500 का जो ट्रेड था वो अगर मैं लॉस कर भी जाता हूं, तो अभी मैं 7000 रुपए की एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, और जिसका मेरा टाइमिंग रहने वाला है एप्रोक्स 10 से 15 मिनट। और यहां पे मैंने एक और ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसका अमाउंट है 7000 रुपीज़, क्योंकि अगर मैं एक ट्रेड हारता हूं तो डेफिनेटली दूसरी ट्रेड विन करने वाला हूं। तो भैया, हमारा जो लेवल है 100% का, उसको ब्रेक किया है, और ब्रेक किया है कैंडल ने, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहां पे ही मैंने 7000 रुपए की ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दी है। हालांकि ट्रेड के रिजल्ट तो काफी लेट आएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहां पे अगर आप ट्रेड प्लेस करो तो ज्यादा टाइम के करो, शॉर्ट टाइम में मत करो। सिग्नल्स आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये एक ग्राफ नहीं है, आपके
आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो भाई, नई स्ट्रेटजी मैंने क्यों कहा है इस स्ट्रेटजी को, क्योंकि ये लेवल की स्ट्रेटजी को यूज नहीं करता है। हालांकि आप सपोर्ट लेवल जरूर ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस जरूर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप 5 इंडिकेशंस के साथ यानी परसेंटेज के साथ कभी ट्रेड नहीं लेते हो। यहां पे आप देखेंगे काफी सारे परसेंटेज आपको मिल जाते हैं, और अगर आप परसेंटेज के साथ ट्रेड लेना चाहते हो तो भाई ये मस्ट है। ठीक है, यहां पे मैं स्टॉप ड्रॉइंग कर देता हूं, क्योंकि यहां पे काफी बार यहां पे ड्रॉइंग का आ रहा है। देखो अभी हमारी एक्सपेक्टेड इनकम जो आ रही है वो 12,600 आ रही है, क्योंकि 3,500 ऑलमोस्ट हारने वाले हैं हब जो भी है। लेट्स सी, ओके, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 10,500 है, तो भी हमारा प्रॉफिट ही होगा अगर हम वन करते, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक की अंदाजा है, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस जो होते हैं वो होते हैं विन करने के। ठीक है, हालांकि देखो ये नीचे भी चली गई, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी हमने देखो कब तक सेलेक्ट किया हुआ है, 30 तक। ठीक है, अभी हमारे पास काफी टाइम है, हमारे पास अभी लगभग 1 घंटा है। 1 आवर की मैंने यहां पर जो है सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहो तो कम टाइम की भी कर सकते हो। वैसे जनरली ये जो स्ट्रेटजी है लोग 200-300 मिनट तक के लिए करते हैं, लेकिन ये जो बायनमो है ये सपोर्ट नहीं करता, आपको 1 घंटे ज्यादा यहां पर आप ट्रेड नहीं ले सकते फिलहाल। ठीक है, तो अब जो है ये स्ट्रेटजी अच्छे से वर्कआउट करती है या नहीं करती आप पे डिपेंड करता है, यूज करके जरूर देखना। अगर अच्छे से वर्कआउट करती है तो कमेंट करके जरूर बताना। उससे पहले बता देता हूं भाई, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में बैनमो का, अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हो तो उस लिंक से रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक कर दो यार वीडियो को, कमेंट करो अच्छा सा प्यारा सा, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।